जी जी अमर भाई, आगे बढ़ते हैं। अमर भाई, हमारे फर्स्ट कॉलर को लेते हैं हम, चाचा चौधरी कोई है? जी हेलो। चाचा, जी चाचा, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सेम जी। आमिर हक जी, अच्छा मेरी आवाज ठीक आ रही जी, है? जी जी आपकी सर। आवाज आ रही है। अच्छा आप सनातनी है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी पिछली स्ट्रीम बताइए सर, में, आप जी, हाउ पिछली योर रिलीजन स्ट्रीम इज बेटर में देन इस्लाम? पहले तो भाई बताता बिस्मिल्लाह, हूँ, पहले तो रुकिए। देखिए, स्ट्रीम ओपन हुई तो इसके ऊपर पहले हम बात कर लें, ना कि पिछले स्ट्रीम। इज योर रिलीजन बिल्कुल बेटर देन बिल्कुल इस्लाम? डू यू एग्री बात विथ करते इट? हैं ना, अभी देखते हैं, बात करते पहले हैं। आप जी हाँ या ना ये बोलकर स्टार्ट करिए। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, जैसे तो फिर आप आप एक मानते दो हैं तीन पॉइंट्स अपने, बताइए। देखें दो तीन जी पॉइंट्स। देखें जी, जी एक हिंदू परिवार में यदि 5-7 लोग रहते हैं और वो अलग अलग किसी आइडियोलॉजी को मानते हैं, कोई देवता को नहीं मानता, कोई मानता है, कोई योगा को मानता है, कोई योगा को नहीं मानता, कोई वेदों को मानता है, कोई वेदों को नहीं मानता, कोई किसी विचारधारा को मानता है, कोई शिव है, कोई शक्त है, कोई वैष्णव है, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, उनके बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। दो एक जने दो जने ऐसे भी हों कि वो इन सब बातों को नहीं भी मानते, तब भी उनके बीच में किसी तरह का झगड़ा नहीं होता। क्या इस्लाम में ये पॉसिबल है कि एक ही घर में रहने वाले कोई भी एक भी शख्स ये कह सके कि वो कुरान मोहम्मद अल्लाह को नहीं मानता ओपनली? जी, ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो भाई, आपके घर में झगड़े नहीं होते हैं वो ठीक है, पर आपके भगवान खुद लड़ लेते हैं ना, उसका क्या करें? अरे होए भाई, जो होए। सवाल, देखें इधर उधर मत करें, इधर उधर जी जी मत मैं करें, बताता हूँ मैंने जो आपको। सवाल जी जी किया मैं उस पे बात करें। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। शिव पुराना बुक नंबर 56, चैप्टर शिव पुराना चैप्टर नंबर 54, वर्स नंबर 23-29। यहाँ पर ये पूरे चैप्टर में शिव एंड कृष्णा फायर्ड मिसाइल्स एट ईच अदर, तो ये दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। वैसे ही अरे भाई ब्रह्मा और ये विष्णु के बीच में भी झगड़ा हो गया था। मैं आ रहा हूँ घर के पास भी आ रहा हूँ, पहले यहाँ तो आ जाए फिर घर के पास आएंगे, पहले आसमान से शुरू करके घर पे आएंगे आपके। तो आपके भगवान पहले झगड़ चुके हैं ऑलरेडी। शिव ने कृष्णा से झगड़ा है, ब्रह्मा ने विष्णु से झगड़ा है। वो बोलता है कि ब्रह्मा बोलता है कि मैंने ये सारी सृष्टि का कल्याण किया है, तुम अपने आप को सुपीरियर मत समझो, तुम मेरे सामने छोटे हैं अभी। तो विष्णु जी आगे से बोलते हैं मुस्कुरा करके, ब्रह्मा आप क्या बोल रहे हो, आपको तो मैंने पैदा किया है, मेरी नाभि से आप पैदा हुए हैं। देवी भागवतम अगर पढ़ेंगे तो देवी ने तीन बेटों को जन्म दिया है, उनका नाम है त्रिमूर्ति, जो है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देवी देवताओं में ही, आपके ही जो गॉड्स है उनमें ही झगड़े चल रहे हैं। अब रही बात आपके घर की बोल रहे हैं, तो आपके घर में नहीं होते होंगे भाई, मुबारक, अच्छी बात है। हमारे घर में भी नहीं होते, हमारे घर में तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं, तो इसमें कहीं का झगड़ा? और और दूसरी रही बात, बात मैंने आपके जो सवाल ऐसे, किया, आमिर हक मेरे भाई आप चुप जी रहिए, आमिर हक आप अच्छा साइलेंट रहें नहीं प्लीज, नहीं आमिर चाचा हक चाचा प्लीज चाचा प्लीज। देखिए चाचा, सुनिए 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 चाचा, यहाँ पर आपको इजाजत नहीं है हमारे मेहमान से इस तरह से बात करने का। हम अच्छा आपको म्यूट नहीं कर रहे हैं ना, तो आप किसी को बोल नहीं सकते यहाँ पर। तो आमिर हक का ये चैनल आमिर हक का भी है और मेरा भी है, मेरा जितना हक है इस चैनल पर, आमिर हक का भी उतना ही हक है भाई। तो लव यू ठीक है, ब्रदर, चलो ठीक है। आपने जो कहानी लव। सुनाई, एक मिनट आपने सुनिए जो जी, कहानी एक सुनाई, चौधरी जी, मैं आप, चौधरी मैं जी, जवाब चौधरी दे देता हूँ। आपने जो कहानी चौधरी भाई, सुनाई, एक मिनट जी, पहली बात वो चौधरी इंसानों एक के मिनट दरवाजे चौधरी पे भाई, था। ठीक चौधरी जी, है एक मिनट जरा चौधरी रुक भाई, जाएं, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। चौधरी साहब ने अपने नाम को ज्यादा सादा सीरियस ले लिया है, ठीक है जी, जरा रुक जाइए एक मिनट। अच्छा बात यह है चाचा जी, कि आपने एक बात रखी, सैम भाई ने बताया कि बंदे तो छोड़ो ना, बंदों के लड़ने के चांसेस तो ज्यादा हैं, एक खानदान के परिवार के लड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। भगवान जब लड़ रहे हैं तो इंसानों का, मनुष्य का साधारण, वो तो ज्यादा लड़ेगा, है जी। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है, ये कोई अच्छाई नहीं है जिसको आप हिंदू धर्म की अच्छाई के तौर पर यहां प्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि एक ही घर के अंदर एक नास्तिक भी चल रहा है, एक चाणक्या भी चल रहा है, एक आचार्य भी चल रहा है, एक जो है ना वो श्री कृष्ण का भक्त चल रहा है, एक श्री राम का भक्त चल रहा है, एक महाकाल का भक्त चल रहा है, एक हनुमान का भक्त चल रहा है, काली माता का भक्त चल रहा है, एक पार्वती का भक्त, अलगर्द जितने हैं, तेतीकोटा, इन सब का चल रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जिसको आप अच्छी तौर पे पेश कर रहे हो। उसकी वजह मैं बताता हूं, उसकी वजह ये है कि कुछ इनमें से वेदास को रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ इनमें से पुराणास को रिजेक्ट कर रहे हैं,
और शास्त्रों को रिजेक्ट करने की वजह से वो अधर्मीय हो रहे हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी किताब में लिखते हैं और स्कंद पुराणा के अंदर और कर्म पुराणा के, मैंने हवाले दिए अभी फिर दे दूंगा कहेंगे, कि जिसमें लिखा है कि जो वेदास को रिजेक्ट करता है वो नास्तिक है, और यहां तक लिखा उसको पानी भी ना पूछो। ये आपको दिखा देता हूं, आप कैसे कह रहे हैं ये बात, पहले तो आप खुदाओं का जवाब भी देंगे, मगर मैं आपको दिखा देता हूं कि आप देखें जनाब कि कैसे कहा जा रहा है। जनाब आप इनको खाना तो क्या कुछ भी नहीं पूछ सकते, जरा मैं आपको दिखाता हूं ये बात करना। एक सवाल पूछूं अब आपसे चौधरी जी, एक मिनट जरा मैं रेफरेंस भी दिखा दूं ना, फिर एक बार दीजिएगा, आपको खुला टाइम देंगे, टेंशन ना लें, क्योंकि आपने जिस चीज को अच्छाई कहा है वो अच्छाई नजर भी तो आए ना, ये क्या बात हुई है जी। तो ये मैं आपको दो हवाले दिखा देता हूं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। इसमें से एक कर्म पुराणा का मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि आप पानी भी नहीं पूछ सकते, फैमिली में रहना तो दूर की बात है ना। ये कर्म पुराणा है, आपके स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ में मिल जाएगा, इसकी बुक 2 है, चैप्टर 26 और मंत्रा 67, यानी वर्स 67 लास्ट वाली। अ पर्सन हु नोज धर्मा शुड नॉट ऑफर, जिसको धर्मा का पता हो उसको नहीं पेश करना चाहिए इवन वॉटर, पानी भी पीने के लिए, टू एन एथियस्ट, नास्तिक को, और अ हेरेटिक, जो अधर्मी हो, और टू अ स्केप्टिक, जो तर्क को, बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करता हो, और टू अ पर्सन हु डज नॉट नो द वेदास, और जो वेदों का ज्ञानी नहीं है उसको भी, धर्मा जानने वाले को, इन पांच लोगों को, एक दो तीन चार पांच, हाँ चार, चार लोगों को पानी तक नहीं पूछना चाहिए। आप परिवार के हिस्से की बात करते हैं, और इससे आगे तो ये कहा गया है कि उसको परमेश्वर नरक के अंदर फेंकेगा। देते हैं जवाब आपको, आपका जवाब हो गया। स्कंद पुराणा जो है आपके सामने, इसका पार्ट 15, वॉल्यूम 15 है, और पार्ट इसका बन जाएगा 5, सेक्शन 3 और चैप्टर 227 आपके सामने नजर आ रहा है, 227। और इसका 1 से लेके 10 तक मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि जब बात कहां खत्म होती है, 1 से 10 तक लास्ट लाइन आप पढ़ें, पर्संस हु हैव नो फेथ, दूज हु आर एथियस्ट फॉल इनटू द टेरिबल नरका, नरका में गिराया जाएगा, सो सेड परमेश्वरा, परमेश्वरा ने ये कहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, पहले ईश्वर की तरफ आ जाए। अच्छा मेरी बात तो सुने, अब आप अपनी अपनी गाए जा रहे हो। मैं सुने, ये देखें, आपने पहला जवाब देना है, बोलने का मौका दोगे, बोलने का मौका दोगे, मुझे कंक्लूड करने दे, बहाना ना बनाइएगा, यहाँ सुन ले जरा, आपने किस तरतीब से देना है। नंबर 1, सैम स्टर्न भाई के जो ईश्वर के, जो भगवानों के हवाले से जो लड़ाई है, शिव और विष्णु, उसका आपने बताना है, और ब्रह्मा, उनकी लड़ाई का। उसके बाद आपने आ जाना है कि आपके शास्त्रों के अंदर जो लिखा है कि नास्तिक अधर्मीय के साथ आप क्या नहीं कर सकते, इस तरह आपने जवाब देना, हम आपको सुनना चाहते हैं इस तरतीब से, जलेबी नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, सीधा सीधा जवाब है मेरा जी, शाहजाद, क्या आज तक कभी भी वेदों को लेकर, पुराणों को लेकर, इनको मानने या ना मानने को लेकर के हिंदू समाज में कभी कोई झगड़ा हुआ है, कभी परिवारों में झगड़ा हुआ? ये चीजें इंसानों की लिखी हुई सब लोग जानते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तवया उपास्यानि नूतनानि, ये चीजें हैं, उन चीजों को आप कोट नहीं करते। हिंदू समाज में कभी भी किसी देवी देवता इन चीजों को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ, कभी कभी, आज भी नहीं होता। अच्छा अब एक अच्छा, बात मुझे बताएं, सवाल सवाल सुन ले, सुन ले, सुन ले, मुकम्मल कर ले, मुकम्मल कर ले, सुन ले पहले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले पहले। फिर इन्होंने कृष्णा की, ब्रह्मा की उन कहानियों को लिखा, सब जानते हैं, हिंदू समाज टोटल जानता है, इंसानों की लिखी हुई कहानियां, इनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं है, सब जानते हैं, ये सब लिखी हुई कहानियां मात्र हैं, इंसानों की लिखी हुई ये कोई सकाई बुक नहीं है, आसमानी किताबें नहीं है। यही वजह है कि हिंदू समाज हमेशा बहती हुई नदी की जैसा है, वो समय की धारा के साथ हमेशा आगे बढ़ते हुए जाता है, कोई बुराई आती है समाज में तो उसे रिजेक्ट करके आगे निकल जाता है, वो बनी रहती है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, और फिर वो हिंदू समाज आगे बढ़ता है। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या इस्लाम में आज ये पॉसिबल है? लड़ने को तो जनाब आपके मोहम्मद की फैमिली के लोग भी आपस में लड़े थे, लड़ने को लड़े थे या नहीं लड़े थे बताएं आप मुझे, कहाँ गया वो ईमान, कहाँ गई वो ईमानदारी? मुकम्मल हो गया, ठीक है, मुकम्मल हो गया आपका। सुने मेरी बात, पहले मेरी बात सुने, पूरा होने दे, पूरा होने दे मेरी बात को, आप कंप्लीट, चाचा चाचा सुन लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, मैं जवाब देंगे उसका। फिर एक्चुअल में आपने आमिर हक साहब, आपने एक स्कंद पुराण का कोट किया, स्कंद पुराण बुक को, आप स्कंद पुराण बुक को डाउनलोड करें अभी के अभी, और जो रेफरेंस आपने दिखाया स्कंद पुराण में संस्कृत और हिंदी में, आप मेरे को दिखाएं अभी के अभी, स्कंद पुराण संस्कृत और हिंदी में डाउनलोड करें, वो का वो ठीक है, आप लोग करते हैं किसी भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं चाचा, और वो ठीक है, मैं जवाब दूं, ठीक है मैं जवाब दूं चाचा जी। पहली चीज देखिए, आपने बताया है कि कहां होता है हमारे में ऐसा लड़ाई झगड़ा,
कोई हिंदू में कैसा लड़ाई झगड़ा होता है, दलित के साथ झगड़ा नहीं होता क्या भाई? ब्राह्मण और दलित कभी नहीं लड़ते हैं? आपको टाइम मिलेगा, आप बोलिए, फिर हम भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कशन अच्छा एक स्मूथ वे में गया तो अच्छा रहता है। तो देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता है, सालों साल से हिस्ट्री पड़ी हुई है भाई। आज की खबर भी उठा लीजिए, आपको पता चलेगा कि कोई दलित को मारा पीटा गया है ब्राह्मीण या ऊंची जाति वाले। सेम स्टोरी में यही जवाब देता हूं। सुन लीजिए पूरा, मैं आपको बहाना ना बनाओ, चुप करके सुनो चाचा, सुन लीजिए ना मेरे भाई, चुप करके बीच में ना बोलिए, मैं आपको कतलेआम करते हैं मेरे भाई, आपस में कतलेआम भाई, जवाब फिर के अब चुप कर जो मुझे पता है तुम्हें नहीं बर्दाश्त होना जवाब जो सैम पता कर बताने लगा। चाचा सुन लीजिए ना मेरे भाई, उसने जड़ उखाड़ देनी है। जी सैम भाई, चाचा देखिए, हम आपसे रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, हम आपको टोके नहीं, आप जब तक बोल रहे थे तो आप भी सुन लीजिए, पूरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, आपके पास कास्ट सिस्टम है, ये आपकी जड़ को उखाड़ के फेंक देता है। ब्राह्मण दलित को नहीं लगाता है, मुंह ही नहीं लगाता है, पानी पीने नहीं देता है, घर में बुला नहीं सकता है, अपनी बेटी को नहीं दे सकता है, 100 प्रॉब्लम्स है। और रही बात आप बोले कि हमारे भगवानों में कोई जवाब दूं, अरे भाई कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट हुआ तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई। अब ऐसी बात होगी तो फिर आपको, चाचा देखिए, मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, इतनी लंबी बोलोगे तो जवाब नहीं हो पाएगा मेरे भाई। नहीं, ऐसा अगर 10 मिनट तक बोले जाओ मेरे भाई, किस किस बात का जवाब दूंगा? एक बात बोलोगे जवाब का, दूसरी बात मेरे भाई सुन लो ना, मेरे भाई जवाब, आपने सवाल किया है, मेरे को जवाब देना है, मैं जवाब दूंगा ना। आपने सवाल किया है व्हाट इज योर नेम, बोले तो एक ही वर्ड में जवाब दे सकते हैं। आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम लिखे क्या आपने? कहा आपने 10 मार्क्स का अंबेडकर जी, मेरे भाई सुनो, अंबेडकर जी केस, चुप करो मेरे भाई चुप कर जाओ। पब्लिक को पता चल गया कि ये बंदा बोलने नहीं दे रहा, इसलिए इसको नीचे उतारा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक है, बहुत जबरदस्त सही है। तो देखिए चाचा चौधरी भाई, देखिए जी चाचा चौधरी भाई, देखिए हम आपसे तमीज से ही बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप बदतमीजी पे उतर गए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको तमीज से डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। हम आपको, आप सवाल किए तो जवाब भी सुनिए। आप ये नहीं कि भाई एक मार्क का आंसर पूछे, एक मार्क का क्वेश्चन पूछे तो मैं एक लाइन में लिख के बता दूं। आपने 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो उसको थोड़ा एक पैराग्राफ तो बोलना पड़ेगा मुझे सब। तो आपके समाज में बड़े छेद है, एक भाई दूसरे भाई को नहीं लड़ता है, भूल जाइए, किधर रह रहे हैं आप, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कुएं के मेंढक बनकर जी रहे हैं आप। दलित के साथ रोज अत्याचार हो रहा है, हजारों सालों से, करोड़ों सालों से बोलूंगा मैं, अगर वेद का अगर आप बोलेंगे तो वेद करोड़ों साल पहले लिखे गए, तो करोड़ों साल से ये चल लेते आ रहा है। अगर दलित भी है, अगर ब्राह्मण भी है, तो उनके ऊपर अत्याचार होता है, आज तक होता आ रहा है। रही बात दूसरी के, हमारा भाई अगर जो शिव को मानता है, एक भाई विष्णु को मानता है, एक भाई इसको मानता है, तो कभी झगड़ा नहीं होगा इसमें। तो भाई रिसेंटली साई बाबा के पूरे जितने मंदिर थे, मूर्तियां थे, तोड़ दिए, गाली देते हुए तोड़े है, झगड़ा नहीं हुआ है? भगवान की मूर्ति तोड़े ना, साई बाबा को आप भगवान मानते थे, पूजते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे, अर्चना करते थे ना, अब उसके खुद तोड़ दिए ना पुतले, मूर्तियां, स्वामी दयानंद सरस्वती वो खुद पुतले तोड़े थे भगवान के, जो आइडल से उनकी किताब में लिखा है, सत्यात प्रकाश में और दूसरे किताबों में भी लिखा है कि उन्होंने लकड़ी से बुद्ध को तोड़ दिया था, भगवानों को तोड़ दिया था लकड़ी से डंडे मारकर। ऐसे बहुत सारे केसेस है भाई। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे घर में ऐसा नहीं, आपके भगवान खुद लड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंक लिए, एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे से गाली गुफ्तार हो गई, शिव जी ने ब्रह्मा जी का गर्दन काट दी है, विष्णु जी का एक बार सिर कट गया था बो से, बहुत सारी चीजें, हनुमान गणेश का सिर काट दिए थे शिवाजी गुस्से में आकर, शिवा का एक बेटे की भी हत्या हो गई थी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स है कि आपके भगवान एक दूसरे से लड़ते हैं, और हिंदू आज तक लड़ते आ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपके धर्म में छेद है। इस्लाम में रही बात, आप बोल रहे हैं कि 73 फिरके है, वो होगा, ये सब अल्लाह को मानने वाले हैं, ये इस्लाम के ऊपर कभी लड़ाई नहीं हुई है, ना ही कभी होगी, ये छोड़े माइनर डिफरेंसेस है, खैर वो अलग बात है, छोटे छोटे डिफरेंसेस को लेके कुछ बेवकूफ हरकतें करते, पर आपके भगवान क्या कर रहे हैं, आपके भगवान तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये क्या बात हो गई? तो चाचा चौधरी, अगर आप तमीज से अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज आइए, हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपको टाइम मिलेगा, अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा मेरे भाई। बोलिए, बहुत सीधा सरल सवाल आपने, एक सवाल जितनी भी बुक्स को कोट किया, चाचा चौधरी एक मिनट, सवाल किया, मेरा जवाब भी तो ले लो ना, जो मुझसे सवाल किया वो भी ले लो।
अच्छा कहते हैं जी स्कंद पुराना जो है आपने किसी वेबसाइट से, अगर मैं बुक निकाल दूं, वैसे तो चाहिए ये है जो इल्जाम मुझ पर लगा रहा है ना, तुम निकाल दो ओरिजिनल संस्कृत, मेरे पास स्कंद पुराना की ओरिजिनल बुक पड़ी हुई है, मैं स्क्रीनशॉट वेबसाइट से नहीं लिया बेटा, भाई चाचा जी मेरे प्यारे भाई, हम वेबसाइटों वाले नहीं है, अगर वेबसाइट से लिया भी है जब तक मैं ओरिजिनल बुक डाउनलोड करके उसको पढ़ नहीं लेता हूं, उसको खुद नहीं देख लेता हूं अपनी आंखों से, मैं किसी रेफरेंस को कोट नहीं करता हूं। ये मेरी हमेशा से आदत है, आज की नहीं इस्लाम के बारे में भी, किसी धर्म के बारे में तो मल्टीपल हम चुकन्ना होते हैं, डबल चुकन्ना हो जाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये है, चलो ये तो खुदाओं की लड़ाई बता दी ना, और पुराणस के अंदर से बता रहे हैं, तो पुराणस को आप कह देंगे जी वो देखें जी हम रिजेक्ट, ऋग्वेदा का सातवां। और आमिर भाई माफी चाहता हूं, एक पॉइंट जो इन्होंने चाचा चौधरी ने बोला है कि ये तो इंसानों की किताब है लिखी हुई, अब ये रेफरेंस क्यों मांग रहे हैं संस्कृत से, बताओ इंसान की लिखी हुई है, बिल्कुल। ऋग्वेद का सेवंथ मंडला कोई भी उठा के पढ़ सकता है, दशरजना, दशरजना की जो वॉर हुई है ऋग्वेद के अंदर, इसमें करोड़ों लोग मारे गए हैं, वो सारे के सारे सनातनी थे, वो दस राजा भी इंद्र और अग्नि की पूजा कर रहे थे। निकाल लो सातवां मंडल, निकाल लो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाभारत, पांडवास कौरवास, अर्जुन ने क्या बोला है, मैं कैसे फाइट करूं, जहां पर मैं आगे देख रहा हूं कि अपने भाई खड़े हुए, चाचा खड़े हुए, मामा खड़े हुए, काका खड़े हुए, फ्रेंड खड़े हुए, वेल विशर खड़े हुए, उनसे कैसा जंग करूं मैं, तो कृष्णा बोले, सुनिए कृष्णा क्या बोले, ये होल्ड ऑन, भाइयों की लड़ाई थी, पांडवास कौरवास भाई थे ना, सनातन धर्म में भाइयों से झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे झगड़ते नहीं है, कत्ल गारतगिरी हुई है, लाखों लोगों में मारे गए हैं, कृष्णा क्या बोलते हैं, ये अधर्मी है, वध करो इनका, अधर्मी किसको बोला जाता है, अधर्मी किसको बोला जाता है, भाइयों को बोल रहे हैं अधर्मी, मारो इसको, चाचा अधर्मी है मारो इसको, काका अधर्मी है मारो इसको, नाना अधर्मी है मारो इसको, वेलविशर अधर्मी है मारो, टीचर अधर्मी है मारो, ये सीख दे रहे हैं कृष्णा अर्जुन को, क्या बोलेंगे इसके बारे में। और ये दशरजना पढ़ लीजिएगा उस बारे में, और जहां तक रही रेफरेंस आप संस्कृत में पढ़कर दिखाएं, आप में अगर दम है ना, दम है ना, ओरिजिनल संस्कृत या हिंदी निकाल के इधर पब्लिक के सामने शेयर करो और मुझे गलत साबित करो, जो स्कंद पुराणा का रेफरेंस मैंने दिया है और कर्मा पुराणा का दिया है, ओरिजिनल निकाल के मुझे इधर लाइव रिफ्यूट करके बताओ, पता चल जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपने ऋग्वेद का बताया, ऋग्वेद का सातवां मंडल बताते जाओ, सातवां मंडल पूरा दशरजना के ऊपर है। अरे भाई कोई एक मंत्र बता दो, सातवां सातवां मंडल खोलो ना, दशरजना है पूरी पूरी। अरे भाई दशरजना के ऊपर है, नहीं मैं सातवां मंडल पूरा मंडल बता रहा हूँ, पूरा मंडल पूरे मंडल में तो 30 सूक्त हैं, उसमें पता नहीं कितने मंत्र हैं, शुरू से स्क्रीन पर शेयर करो, चलो एक शेयर जो है, मैंने यदि आप सच्चे हो, कुल हातु बुरहानकुम, कुरान कहता है कुल हातु बुरहानकुम, एक मिनट मुझे झूठा साबित कर दो, कुल हातु बुरहानकुम हां ठीक है, हां कुल हातु बुरहानकुम। चाचा सुनो, आप पहले आमिर भाई ने क्या रेफरेंसेस कोट किए, स्कंद पुराणा किए और कुर्मा पुराणा के निकाल के गलत साबित करिए, उसके बाद ऋग्वेद पे आते हैं, इनको बोलो शेयर करें स्क्रीन। हाँ तो आइए ना, शेर तो कर दिया था आपने, पढ़ा ना, अभी आप इसको गलत साबित करके बताओ, निकालो, पता नहीं किसी वेबसाइट से उठा करके चिपका रखे हैं, कैसे मानूं। हाँ तो आप भी बताओ वेबसाइट से बताओ आप, ये सामने स्क्रीन पर, ये वेबसाइट है, बताइए ये वेबसाइट ऐसी होती है। अच्छा रिफ्यूट, अच्छा एक मिनट, वेबसाइट पता नहीं उठा करके पेस्ट कर लिया, पीडीएफ बना रखी होगी आपने, मैं क्यों मानूं। अच्छा अगर चलो एक मिनट अगर ओरिजिनल बुक से शेयर करो ना, मुझे पता है तुम लोग मानते हो कोई नहीं हो, चाहे मैं ओरिजिनल दिखाओ, अगर दिखाओ, मैं दिखाओ, मानेंगे जरूर मानेंगे, दिखाओ जरूर मानेंगे, गलत होगा तो उसे गलत कहूंगा, गलत होगा तो उसे गलत कहूंगा। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये तुम्हें ओरिजिनल बुक से मैं तुम्हें रेफरेंस दिखाने लगा हूँ, अच्छा अगर लाइव पब्लिक को पता चल जाएगा तब तक आप देखो हम अमीर भाई साहब, सेम भाई आपने स्लेवरी का महाभारत का कुछ आदिपर्व का कोट किया था, वो क्या था? नहीं मैं ये बोला था कि अर्जुन ने कृष्णा को ये बोला था कि मैं अपने चाचा को देख रहा हूँ, मामा को देख रहा हूँ, भाई को देख रहा हूँ, भतीजे को देख रहा हूँ, वेलविशर को देख रहा हूँ, टीचर को देख रहा हूँ, युद्ध कैसा करूँ, इसकी नहीं कह रहा मेरे भाई, इसके बारे में बोलो पहले ठीक है, मैं देखो पिछली बात नहीं, इसके बारे में बात करूँ,
टॉपिक यही है ना, आप भाइयों में युद्ध नहीं हुआ कभी बोले ना, डिफेंड करो इसको भाइयों में। अच्छा ठीक है, जवाब देता हूँ। क्या ये युद्ध, जवाब अच्छा क्या ये युद्ध इसलिए हुआ था कि वो कौरव इसलिए लड़े, कौरव और पांडव इसलिए लड़े थे कि वो एक दूसरे की विचारधारा या मान्यता से सहमत नहीं थे? क्या वो युद्ध अधिकारों का नहीं था? अधर्मी, अधर्मी किसको बोलते हैं? अधर्मी किसको बोलते हैं? जब जो एक दूसरे के हक को खा जाता है उसको अधर्मी नहीं बोलते? तो बुरा आदमी है ना भाई, भाई एक दूसरे को लड़ लिया है ना, हिंदू होके लड़ लिया है ना, सनातनी होकर लड़ लिया है ना, एक दूसरे का कत्ल कर दिया है ना। जवाब सुने, जवाब सुने, शिवजी ने, शिवजी ने अपने शिवजी ने शिवजी ने अपने बेटे का गला काट दिया है ना, शिवजी ने अपने बेटे का गला काट दिया है ना, परशुराम ने अपने माँ का गला काट दिया है ना। हाँ बोलिए यार, अब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो मेरे भाई, ऐसे ही हो, ऐसे ही बोले बोले कर रहे थे, ये तुम कर रहे थे ना, ये स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर देखें, स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा एक मिनट रुक जा, ये है कर्म पुराण, ठीक है, ये देखो जरा, ये कर्म पुराण है जी, ये देखें पार्ट वन है जी, और ये कहाँ की छपी है जी, दिल्ली की, मोतीलाल बनारी दास, मोतीलाल जबरदस्त, हाँ बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, ये देखें जी कौन सा एडिशन है, दिल्ली 1951, रीप्रिंट दिल्ली 1998, ये देखें जी कहां से ये अवेलेबल, किन किन जगहों के ऊपर ये सारा लिखा हुआ है, प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनांद्रा प्रकाश जैन एट श्री जेंद्रा प्रेस, नरजना फेस वन, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हम उस पेज के ऊपर, वेबसाइटा हमें समझा हुआ है, हमें एक्स मुस्लिम समझा हुआ है, ठीक है जी, ये आगे चलते हैं जी पेज के ऊपर तेजी से, कौन सा पेज था ये देखें जी, ये मैंने पेश किया था जी, अब मैं करने लगा जूम, ये देखें जी, ये है वो वर्स 67, अ पर्सन हु नोज धर्मा शुड नॉट ऑफर इवन वॉटर टू एन एथियस्ट और अ हेरेटिक और टू अ स्केप्टिक और टू अ पर्सन हु डज नॉट नो द वेदास, ठीक है जी, ये आप के ऊपर ओरिजिनल किताब का दिखा रहा हूं, जवाब दूं, जवाब दूं, हो गया मां, देखिए नहीं एक मिनट अभी जवाब सुना जरा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इसको संस्कृत से निकाल के चाचा बता, संस्कृत में निकाल के गलत साबित करना है आप, तुमने मेरी जो मुझसे रेफरेंस निकलवाया ना ओरिजिनल किताब से, अब इसको संस्कृत से निकाल के दिखाओ, अगर दम है तो दम है, मुझे गलत साबित कर, संस्कृत में मैंने कहा ना, संस्कृत में डाउनलोड करो, मेरे पास अभी है नहीं ये बुक, यार ये देखा इनकी हरकतें देखी इनकी, ये कह रहे थे मैंने वेबसाइट से निकाला है, कहता ओरिजिनल से निकाल दो, मैं मानूंगा, मैंने कहा तू नहीं मानेगा भाई, आप पहले नहीं हो चाचा, हमारे पास बहुत जवाब दूं, देखें जवाब नहीं ना चाहिए, मैंने जवाब नहीं चाहिए, अरे जवाब दे रहा हूँ ना, सुनोगे तो, क्या इन किताबों को कोई हिंदू मानता है क्या, इन किताबों को हिंदू के लिए कंपलसरी है क्या, हिंदू के लिए किताबें कंपलसरी है क्या, ये बताओ पहले, मांगा क्यों स्टार्ट में कहना था मैं नहीं मानता, वो भी बताऊंगा, मांगा क्यों, मैंने मांगा इसलिए बताता हूँ, कारण बताता हूँ क्यों मांगा मैंने, पिछली स्ट्रीम में रुको, तुमने संस्कृत का इसको निकाला, संस्कृत माइक म्यूट करूंगा, बात नहीं करने दूंगा, संस्कृत में निकालना लाइव, नहीं तो बात आगे नहीं चलेगी, यही रुकेगी, अब मेरे मैंने भी रेफरेंस निकाला ना, अब तुमने भी निकालना है, लाइव निकाल के लेके आओ, संस्कृत निकालो, मेरे पास अभी बुक नहीं है ना, मैं मोबाइल पर लेके आओ, जब लेके आओगे तब बात हो, अगली बात लेकर आओ, एक दो घंटे तक हम लोग हैं यहाँ पर, एक दो घंटे चाचा 2 घंटे तक हम हैं यहाँ पर, रेफरेंस लेकर आइए, आपको जगह बनाएंगे हम, वापस हम आपसे बात कर सकते, एक मिनट ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ज्यादा लेके आओ, बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर को लेकर आइए, लेके आओ, ये है, मैं क्यों मैं कह रहा था, हमने ऐसे ही नहीं ये स्क्रीन बना के रखी हुई, हमें कहते हैं जी किताब ही नहीं है ओरिजिनल, ये वेबसाइट से बना के रखी हुई है, ओरिजिनल दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हें एक एक चीज दिखाई है, एक एक चीज, दम हो तो गलत साबित करो, ये एक्स मुस्लिम नहीं है, एच मुस्लिम मूवमेंट का चैनल, जिसपे हवाई फायर आर्टिकल पढ़ के तो बोंगियां मारते चले गए, और पूछने वाला ही कोई नहीं कि जितनी मर्जी बोंगी मार ली, अब बात नहीं तुम आगे कर सकते थे जब तक तुम ओरिजिनल संस्कृत से दिखा के मुझे गलत ना साबित करो, ये अजीब बात है, हम रेफरेंस निकालें, हम तुम्हें ओरिजिनल किताब से दिखाएं, और तुम मुंह से फूट दो, बस मुंह से उगल दो कि गलत है मैं नहीं मानता, कहता जी कोई हिंदू इस किताब को मानता है, तो छनकना लेने के लिए पूछ रहे थे कि कहां है किताब, अजीब बात है यार, तमाशा ये इनका यही हाल है आमिर भाई, ये तमाशा लगा रखे है, ये ड्रामेबाजी है, ये यही लीला करते हैं यहाँ पर आके, जैसा इनके भगवान लीला करते थे, ये भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं आके, अब एग्जैक्टली ऋग्वेद से निकाल देता, सातवां मंडला में कह भी रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो, वो भी निकाल देता, तो इसने पता कहना था निकल आया, अब क्या करूं,
ये डिले टैक्टिक्स है, ये ना मुझे, ये काका असल में चाचा चौधरी इस बेचारे को पता नहीं है कि ये डिले टैक्टिक्स हैं, हमें ये बहुत अच्छे से पता है ये जो डिले टैक्टिक्स होते हैं। हमें ना बेटा चारो, हम दाई हैं, हमें पता है ठीक है ना कौन कहां से बात कर रहा है। तो ये कहने लगे जी सातवां मंडला खोलो ना, दशहरा जना निकालो, उनकी क्यों जंग हुई थी, वो तो सारे सनातनी थे आपस में। और पेश कर रहे हैं जी नबी पाक सम के आलो याल लड़े थे। भाई तुम्हारा ऑब्जेक्शन है ना, तुम्हारे बकौल तो हमारे यहाँ लड़ाई है। हमने कब कहा कि किसी धर्म के सच्चा होने के लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि उनके मानने वाले आपस में नहीं लड़ेंगे, कभी इस्लाम ने कहा हो? ये गलत, ये सबसे बड़ा ब्लंडर और पैराडॉक्स ये था कि ये बंदा कह रहा है जी इस्लाम इसलिए गलत है कि आपस में लड़ते हैं, हम इसलिए अच्छे हैं कि हम आपस में नहीं लड़ते। ये दलील कहां है? किसी धर्म के सत्य होने के लिए ओरिजिनल जो दलील है, आर्ग्यूमेंट है सॉलिड, वो ये है उसकी टीचिंग्स क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, ये है। ये नहीं कि बाद वाले लोग ऐसे अमल कैसे करते हैं। ये था ब्लंडर बीच में जो ये छुपाया हुआ था। और एक और बात सैम भाई मैं कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, कि जिस चीज को ये अपने धर्म के सॉलिड होने के लिए, बेटर होने के लिए इस्लाम से पेश करते हैं, वो धोखा है। सनातनी को आपको पता नहीं चल रहा, आपका घर के अंदर एक बच्चा जो है वो नास्तिक हो चुका हुआ है, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म इतना पवित्र है वो उसको कबूल करता है। अभी तो बुद्ध और जैन की तरफ हम गए नहीं सैम भाई, ने तो सिर्फ जात पात की बात की कि वो कितना लड़े हैं जी। अजीब बात है यार। बहुत शुक्रिया चाचा चौधरी जी।